ये घटना अंजलि के साथ तब हुई थी जब वो लगभग 10 साल की थी, जब अंजलि और उसके दो बेस्ट फ्रेंड्स और उनके मम्मी पापा वेकेशन के लिए टर्की गए हुए थे। एक रात अंजलि अपने दोनों फ्रेंड्स के साथ रूम में बैठकर टीवी देख रही थी। वहीं दूसरी ओर उनके पेरेंट्स होटल के रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे। होटल के रूम्स बुरे नहीं थे बल्कि काफी सेफ ही लग रहे थे। उन्हें अपने रूम में काफी मजा आ रहा था। वो टीवी देखते देखते मोनोपोली खेल रहे थे, मगर जो उस रात हुआ वो बात अंजलि को आज भी डराती है। रात के 1 बज गए थे और उनके पेरेंट्स अभी तक रूम में नहीं लौटे थे। उनके पेरेंट्स अभी भी होटल के रेस्टोरेंट में ही थे। तभी अंजलि का दोस्त कहता है, हाँ लेकिन उन्होंने तो कहा था वो 11 बजे तक लौट आएंगे। दोस्तों, दरवाजे पे कोई खटखट कर रहा है, ये जरूर रूम सर्विस वाले होंगे। तभी अंजलि कहती है, दोस्तों मुझे लगता है हमें दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। वो तीनों ही डरे हुए थे। तभी अर्जुन ने बोला, अरे बस ये रूम सर्विस वाले ही हैं। दरवाजे की दूसरी ओर से एक बड़े से आदमी की आवाज आई, हेलो बच्चों, दरवाजा खोलो। और जब उन्होंने ये सुना तो वो तीनों बहुत ही ज्यादा डर गए थे। दरवाजा खोलो, उसने दोबारा गुस्से से कहा। अंजलि डर के मारे रोने लगी, क्योंकि उसे पता था वो रूम सर्विस वाला तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उसने टर्की में बात न करके हिंदी में बात करी। तभी अचानक से उन तीनों को रूम का दरवाजा खोलने की आवाज आई, शायद उसके पास एक नकली चाबी थी। तभी अर्जुन ने उन दोनों को हाथ पकड़ा और बाथरूम की ओर भागा। छुपने के लिए वो आदमी दरवाजा खोलते हुए दरवाजा खोलने के लिए चिल्लाने लगा। तभी उन्हें याद आया कि अर्जुन के पास मोबाइल है। ये उनकी सिर्फ खुशकिस्मती थी कि अर्जुन की मम्मी उसको अपना फोन दे गई इमरजेंसी के लिए। तो अर्जुन ने जल्दी से अपना फोन निकाला और अपने पेरेंट्स को कॉल करा और उन्हें पूरी बात बताई। और जब तक वो आए तब तक वो आदमी वहाँ से भाग चुका था। उन्हें सब झूठा समझ रहे थे जब तक होटल के मैनेजर ने उन्हें सीसीटीवी कैमरे की फुटेज नहीं दिखाई और पुलिस ने उस आदमी को कुछ ही दिनों में पकड़ लिया। वो आदमी एक बहुत बड़ा साइको क्रिमिनल था। बस उनकी किस्मत ही थी कि वो उस रात उन्हें पकड़ नहीं पाया। अंजलि उस रात को आज तक नहीं भूल पाई, क्योंकि वो रात उसकी जिंदगी की सबसे खतरनाक रात थी।